दोस्तों आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स को जरूर प्राप्त करें। चाहे टीजीटी कक्षा 6 से 8 हो, चाहे टीजीटी कक्षा 9 से 10, चाहे पीजीटी कक्षा 11 से 12, सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। पाठ्यक्रम आधारित नोट प्रोवाइड कराए जाते हैं। परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। पेपर 2 में आपके 2 पार्ट हैं, एक है सब्जेक्ट पेपर, दूसरा है जीएस। जीएस में जो 50 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस को देखेंगे, सामान्य जागरूकता को। इसमें उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो सामान्य अध्ययन सामाजिक अध्ययन के टॉप मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं। आइए हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और अपनी जानकारी को विस्तार देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसे हमने आज के इस क्लास में इंक्लूड किया है वो ये है कि भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी है, यानी भारत में पहली बोलती फिल्म कौन है। सन 1931 में ऐसी फिल्म बनी जो बोलती थी, जिसमें आवाज था, वॉयस था। 1931 से पहले की जो फिल्म थी उसमें वॉयस नहीं था, केवल एक्शन था। ये जो पहली सवाक फिल्म है वो आलम आरा है। सही जवाब हो जाएगा आलम आरा, भारत की पहली सवाक फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ अवस्थित है। कामिनी नाम से न्यूट्रॉन रिएक्टर भारत में स्थापित है या भारत के कलपक्कम में अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा कलपक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में बहुत चर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है। वाडा कोड जो होता है इसका संबंध खेल से है। वाडा कोड का संबंध खेल से है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। आपने ध्यानचंद का नाम सुना होगा, इन्होंने भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाया था। यह जो ओलंपिक हुआ था यह कहां हुआ था, आइए हम जानते हैं। यह ओलंपिक सन 1928 में एम्स्टर्डम में हुआ था। वह व्यक्ति ध्यानचंद थे जिन्होंने भारत को 1928 में ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। आज भारत में जो खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है। भारतीय वायुसेना में कितने कमान होते हैं, आइए हम जानते हैं। भारत की जो वायुसेना है उसमें 5 कमान होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था। भारत ने पहला हॉकी स्वर्ण पदक जो है एम्स्टर्डम में जीता था। कब? 1928 में। एम्स्टर्डम में 1928 में जीता था। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। भारत की वह महिला जो सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीतती है वह रीता फारिया है। भारत की वह महिला रीता फारिया है जो सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीतती है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। हर दो देश के बीच की एक सीमा होती है या एक काल्पनिक रेखा होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वह रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट पिच यानी जहां से बॉलर बॉलिंग करता है और बैट्समैन बैटिंग करता है दोनों के बीच की दूरी, ये क्रिकेट का पिच होता है। इसकी लंबाई 20.12 मीटर होती है, यानी 20 मीटर 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। जिस तरह हमारे देश में न्यायालय है, हर जिला में
उसके बाद उच्च न्यायालय हर स्टेट में, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है पूरे भारत के लिए। उसी तरह एक न्यायालय होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो दुनिया के विवादों को समझाता है। दो देशों के बीच का मामला हो, कोई बड़ा मामला हो, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नगेंद्र सिंह नामक व्यक्ति जो है न्यायाधीश बनते हैं। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ अवस्थित है? संसार का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है, 13वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, यानी हर 4 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? हमारे देश भारत में वीरता के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह परमवीर चक्र है। कोई सेना, कोई पुलिस अफसर अगर अपनी वीरता का परिचय देता है तो उसे परमवीर चक्र दिया जाता है। जिस तरह से भारत रत्न का आपने नाम सुना होगा, यह असैनिक क्षेत्र में दिया जाता है, उसी तरह सैनिक को परमवीर चक्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? पंकज आडवाणी का संबंध बिलियर्ड से है। बिलियर्ड एक खेल होता है, पंकज आडवाणी इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है। सही जवाब है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, यानी एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह महिला है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ती है और वह प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वैसे तो पुरस्कार काफी सारे होते हैं, लेकिन बोरलॉग पुरस्कार जो होता है वह पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ अवस्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन पुणे में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम सी राज गोपालाचारी को प्रदान किया गया। सी राज गोपालाचारी को भारत रत्न अलंकरण प्रदान किया गया। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई? रंगीन टेलीविजन की शुरुआत सन 1982 में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ अवस्थित है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में अवस्थित है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? शक संवत एक तरह का कैलेंडर है, हिंदू धर्म में काफी प्रचलित है। इसकी शुरुआत जो होती है सन 78 ईस्वी में होती है। अभी 2023 चल रहा है, सन 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान होता है? वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी होता है, उसी तरह नौसेना में लेफ्टिनेंट अधिकारी जो होता है नौसेना में होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? एक पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब होता है मेरी आत्मकथा, हिंदी में मेरी आत्मकथा, अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ये जो पोंगल उत्सव है इसका संबंध तमिलनाडु से है, तमिलनाडु के लोग पोंगल उत्सव मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ से प्रारंभ किया गया? आज के डेट में जो ओलंपिक खेल होता है इसका आयोजन सन 1896 में एथेंस में किया गया।
सन 1896 में एथेंस में इस ओलंपिक खेल का आयोजन होता है पहली बार। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। दोस्तों अभी हमने कुल 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है समान जागरूकता सब्जेक्ट से। जनरल अवेयरनेस के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा हम कंप्लीट जीएस का एमसीक्यू कलेक्शन देते हैं। साथ ही साथ हमारे पास बीपीएससी टीआरडी 2.0 के सभी विषयों के नोट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 सभी के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हमारे नोट्स को आप प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारा दूसरा कोई नंबर नहीं है। हमारे नोट्स आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए सफिशियंट है और पूर्णतः पाठ्यक्रम आधारित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।